समाप्त हो रही पुरानी प्रथाओं को पुनर्जीवित करने हेतु हमारे देवरी नगर के नगर पालिका अध्यक्ष मयंक चौरसिया द्वारा अनोखी घोड़ा सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किला परिसर में किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों को उपहार दिया गया। इस अवसर पर देवरी नगर के नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नगर पालिका अध्यक्ष मयंक चौरसिया, बाल मुकुंद पारासर, अजय खत्री, मिथिलेश ब्रह्मपुरिया, संजीव सोनी, अनिल रैकवार, अमित चौरसिया, सोनू साहू, दीपक खत्री, रिंकू चौरसिया, मानक लाल चौरसिया, सौरभ कबीरपंथी, अविनाश खत्री, अखिलेश ब्रह्मपुरिया, नरेंद्र रैकवार, दीपेश रैकवार, गौ सेवा समिति आदि उपस्थित रहे। देवरी कला क्षेत्र से SRB पर राहुल ताम्रकार की रिपोर्ट। SRB बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली खबरों की सूचना या नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हाथी घोड़ा पाल की, 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 बोलो भैया। आपका नाम? मैं बाल मुकुंद पारा सर। जी, पोला पर्व पे जी आपने प्रतियोगिता रखी है, क्या है इसका? ये हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से परंपराएं चली आ रही हैं, जिनमें से एक परंपरा हमारे क्षेत्र में घुल्या उमास के नाम से ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इसमें हमारे क्षेत्र के लोग एक घोड़ा जो बना रहता है, उसमें पीतल के, लकड़ी के, इस प्रकार के अनेक प्रकार से उसकी सजावट करके और उसको बना करके लाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उसको, और खुरमावतियाँ, इस प्रकार का एक स्वल्पाहार का कार्यक्रम भी उसमें रहता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए अपने देवरी नगर के हम कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम रखा और उसमें सबको आमंत्रित किया कला मैदान में, और सभी को प्रोत्साहित करने के लिए उनको कुछ प्रोत्साहन के लिए कुछ उपहार भी भेंट किए, और हमने तय किया है कि अगले वर्ष इसको और अच्छे तरीके से विशाल रूप से मनाएंगे। भारत माता।